दूसरे मेहमान जिनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, वेरी विटी नसीम विकी। क्या बात है, आप शलवार कमीज हैं और यहाँ पर पैंट बुशर्ट कोट अलग अलग कॉम्बिनेशन में, मगर दोनों प्यारे कर ऐसे नहीं। तो आपने मुझे तो दो तीन शोज के लिए बुलाया था, सूट खत्म हो गया, क्या करूं। वैसे भी आज बास्केट पाई है, बच्चे ने कॉन्सर्ट लगन दे। एक तो साद रफीक है ना, साद हफीज लग रहे ने। यार खुदा दा वास्ता होर गल करना मैं ना। मैं तो ने कदी होजी भैड़ी गल की थी। नहीं वैसे लग गए जी, ते जवे कोटरे तो ना खुशक मेवे दा ट्रक लै के आए। आखिर आप कहाँ से लेकर आते हैं इतने सारे कपड़े, इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, इतनी सोशल गैदरिंग में जा रहे होते हैं, टीवी अपीयरेंस कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, देन इतने कपड़े कहाँ से लेके आते हैं? इतने तो नहीं, वही रिपीट करता रहता हूँ। मतलब पैंट के साथ शर्ट बदल ली तो कोट के साथ जो है वो फिर यू नो। बिल्कुल, यू आर स्मार्ट गर्ल, आपने पहचान लिया। आपके तो कपड़े जाया भी बहुत होते होंगे ना, क्योंकि जो कॉन्सर्ट करते हैं वो एक ऐसे घुमा के कोट फेंक भी देते हैं। नहीं नहीं, अपना बंदा पाया होता ओदे वाली छोड़ दे। अच्छा, तो हिसाब उल्टा था बिल्कुल यार। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं म्यूजिशियन स्कूल के जमाने में बन चुका था। है, स्कूल के जमाने? हाँ, कीबोर्ड बजाना शुरू कर चुके थे, स्कूल कॉलेज के शोज जो थे वो हम उसमें गाना शुरू कर चुके थे, सब कुछ स्टार्ट था। अच्छा, फिर आखिर में आके इंजीनियरिंग तो बल्कि वक्ता पड़ गया कि वो अब आखिर में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था बिल्कुल। हाँ। तो फाइनल ईयर में तो एक एक रात में पढ़ के तो बस एग्जाम जैसे तैसे करके निकाले। हाँ। इंजीनियरिंग की तो मैंने एक जॉब इंटरव्यू भी जिंदगी में नहीं दिया, सिर्फ मैंने एक काम किया था कि डिग्री लेने के बाद इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके तो मेंबरशिप ले ली। ठीक है, बस उसके अलावा कोई मेरा वास्ता नहीं रहा। अब आज मुझे इंजीनियरिंग का कोई सवाल अगर आप करेंगी तो मैं कोरा कागज दूं बिल्कुल टोटली। I know nothing। कुदरत का कानून देख ले, फिर इंटरव्यू आपको देना ही पड़ा। जो इंजीनियरिंग में नहीं दिया वो यहाँ देना पड़ रहा है। वो यहाँ देना पड़ रहा है, अब देखे कितनी सही बात। मेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैनू ना कितने दाखला नहीं सी मिल रहे, नंबर काट सन। क्यों? आखिर इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के बीच मैनू दाखला मिले। वैसे हम यहाँ पे अपने मुल्क में तो बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन या जो भी, ये जितने भी ये जॉब्स हैं ये अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, अमरीका में हों तो सबसे ज़्यादा पैसे ये लोग कमाते हैं। हाथ का हुनर जिसके पास है उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। बेशक आई दे कोल भी हाथ दा बड़ा हुनर आ, जेबा कटदा। चाचे थी कटी सी, उल्टा मैनू नुकसान होया। 3 महीने दा बिल सी जेड़ा बाद मैनू भरना पिया। अच्छा फाखिर, बहुत सारे बैंड्स पाकिस्तान में एस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है, सिंगर्स उसमें से निकलते हैं, म्यूजिशियंस निकलते हैं, उसमें पूरा एक बैंड होता है, इतनी जल्दी हिट भी हो जाते हैं जब आते हैं ऑडियंस के सामने, मगर वो जल्दी बैंड टूट भी जाते हैं, क्या वजूहत है इसकी? होता क्या है जी कि एक तो ये होता है कि किसी भी बैंड के अंदर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी का म्यूजिक स्टाइल कुछ होता है, किसी की इंस्पिरेशन कुछ और होती है। कोई रॉक ज़्यादा करना चाहता है, कोई पॉप ज़्यादा करना चाहता है, तो मिलके एक साउंड उनकी निकलती है। ठीक। कुछ अरसे के बाद बोर भी हो जाते हैं हम लोग और ये चाहते हैं कि यार चलो मैं जो एग्जैक्ट म्यूजिक मैं करना चाहता हूँ फॉलो, मैं वो करता हूँ। ठीक। तो फिर लोग अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, एक तो ये वजह है। ठीक। और दूसरी एक ये वजह है कि जो चीज़ अल्लाह का असूल है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी उसने नीचे तो आना है, ग्राफ तो ऊपर नीचे होता ही है, वो होता है बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा मेन वजूहत जो होती हैं इन सब बातों के अलावा वो ये हैं कि कुछ अरसे के बाद किसी भी काम या कारोबार ही है ना, ये इट्स बिजनेस, उसके अंदर लोग पैसे शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, ये जो बैंड के लोग होते हैं आपस में, दे डोंट शेयर द मनी। ओके, उसकी वजह से फिर वो देन फेम भी कोई नहीं शेयर करना चाहता, फैंस भी कोई नहीं शेयर करना चाहता। यू नो व्हाट आई मीन? नो, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज़ देखें जो सिंगर है, सिंगर की फॉर्च्यून, फैंस, ये हर कोई जो होता है वो पजेसिव हो जाता है। जो गिटारिस्ट है उसकी गिटारिस्ट एज अ फैन रहेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वाइटल साइंस था, ठीक है, या कोई भी बैंड था, एक्स वाई जेड कोई बैंड, जल बैंड, कोई भी बैंड, व्हाटएवर बैंड, वो दो लोग थे, वो दोनों या तीन लोग थे, उन्होंने तीनों ने समझा होगा कि ये ग्रुप तो मेरी वजह से चल रहा है। जैसे शाही को लगता होगा उनकी वजह से, मैं वर्ल्ड साइंस की बात नहीं कर रहा। अच्छा। चले कोई भी बैंड, उसको लगेगा कि ये मेरी वजह से चल रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे फिर दरार पड़नी शुरू हो जाती है, फिर पैसा विल पे अ रोल,
फेम एंड अटेंशन विल प्ले अ रोल, कि किसी को अटेंशन कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है. फिर फैंस विल मेक अ डिफरेंस, कि किसके फैंस ज़्यादा हैं, किसके कम हैं. तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ से टसल शुरू हो जाती है. कुछ फैन इस तरह के बंदे ने कि कोल आके कह के यार सेल्फी बना ले, ओ नहीं मैं नहीं लोड़ा छोड़ दी. लेकिन मेरा जिंदगी का कंक्लूजन ये है कि फैंस भी देखें लाइफ साइकिल है. आज कोई आपका फैन है, कल वो उनका फैन हो जाएगा, कल हो सकता है वो आप सबका फैन हो, जो भी हो, स्विच होता है काम. सबको हवा दे रही और जिंदगी में, क्योंकि हम रहते हैं, हम हॉलीवुड में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ के डायनामिक्स फर्क हैं. यहाँ पे जो बंदा बहुत ही बड़ा अपने दिल के अंदर स्टार बन गया ना, वो फिर आगे जाके जब ग्राफ उसका नीचे आएगा तो वो ड्रग्स में ही जाएगा, वो अपना गम गलत करेगा कहीं ना कहीं पे. इसलिए यहाँ पे जितना आप नॉर्मल रहें, जितना फीट ऑन द ग्राउंड आप रहें, उतना आपके लिए बेहतर है. वरना हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, लोग तो दे कांट कम टू टर्म्स विद द फेलियर, क्योंकि आपका ग्राफ नीचे जाएगा एक दिन, आप निस्बतन उतने कामयाब नहीं रहेंगे जितने आप एक जमाने में अपनी पीक पे थे. बिल्कुल. तो उस वक्त आपका फिर दिल खराब होना शुरू हो जाएगा. इसलिए इन चीज़ों को आप एक दुनियावी एक फेज समझ के ही कबूल करें. exactly. ये ना समझें कि ये मरते दम तक रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल. ये चाइना की एक कहावत भी है ना कि कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जो लोग आपको रास्ते में मिलते हैं वही वापसी पर भी मिलते हैं. अच्छा, शलवार कमीज और वास्कट पा के ना तुसी फील करन लग गए को तुसी वाकई एक रहनुमा हो, एक लीडर हो. नहीं, ये मेरा असर. एक तो मुझे अब इस बात बात पे ना ये बात याद आती रहेगी, सब आज इतने फैशनेबल बनकर आए और आज अब इतने सादे जो गए शलवार कमीज क्यों? आज मेरे दिमाग में ना कुछ फंसा हुआ है कि मैं फैशन के ऊपर बात करूं. अच्छा. हाँ, कुछ चीजें मैंने देखी हैं तो फिर इसलिए मैंने ये शलवार कमीज पहनी है ताकि उसकी जद में मैं खुद ना आ जाऊं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, फाखिर महमूद और साथ साथ हमारे विक्की साहब. अच्छा जी, आप भी माशाल्लाह से पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, मगर बन के निकलते हैं सिंगर इंजीनियर बनने के बजाय. मतलब जैसे हारून हो गए, इंजीनियर नहीं, उन्होंने बीबीए किया हुआ है. बीबीए किया हुआ है. और जुनैद जमशेद साहब मरहूम, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो भी उन्होंने भी पढ़ा, वो बन गए सिंगर म्यूजिशियन. जी ठीक है. उसके अलावा जवाद अहमद साहब मैकेनिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल. ठीक है ना, सबसे ज्यादा मेरिट इलेक्ट्रिकल का. एक सिविल इंजीनियर भी होता है अली हैदर. बंदा क्या चाहता है, बने म्यूजिशियन है, ये कोई टाटी पढ़ाते हैं? हो सकता नहीं, लेकिन मुकरे नहीं बनना है, धाड़ी क्या होता है? मुकरना किस बात पे यार, हम पाकिस्तान में रहते हैं, सब कुछ हमारे सामने होता है. हमने भी टाड़ियों से सीखा है बड़ा यार. अभी आपसे भी दो चार चीजें सीख के जाएंगे. देखो ना, दो टाड़ी ने बेचे कमाड़ी है. हम करते हैं सोल्डरिंग करते हैं, हम टांके वांके लगाते हैं ना, कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सोल्डरिंग करते हैं, उसको आपकी जुबान में वेल्डिंग कहते हैं. अब ना आपने घर जाके सदका देना है अपना. अच्छा जी, क्यों? हाँ जी, इंजीनियरिंग का पूरा लफ्ज निकल गया आपके मुंह से. नहीं, फिर सदका देना नहीं, फिर तो लेना है जाकर. मैंने सदका दियो, देखो मैं की क्या गया. पढ़े लिखे बंदे इंजीन देने को जख्म हो जाए डॉक्टर को जान देने के भी डॉक्टर के अंदर टांके लगेंगे. हाँ. नहीं, मुझे जल्दी या पीको कर दो. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपका सोशो पॉलिटिकल सॉन्ग था मिस्टर फ्रॉजी है, राइट? उसकी वीडियो भी बहुत खूबसूरत थी और बड़ा हिट हुआ था वो गाना. चाचा उस जगह से नहीं गुजरता था जहाँ ये गाना लगा होता था. क्यों? ये समझते थे ना कि मुझे कह रहे हैं मिस्टर फ्रॉजी. इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया क्या? चाय का भरा कप अपने आगे रख लेते और खाली कप मेरे आगे रख देते. ये दरअसल ना सोए हुए ना खराटे बहुत ज्यादा लेते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम रख दिया था मिस्टर खराटिए. मिस्टर फ्रॉडी. फिर एक पाकिस्तानी फिल्म भी इसके नाम से बनी थी बाद में. मुझे ये बताइए कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी म्यूजिक जो है वो यतीम हो गया, प्लेटफॉर्म कम हो गया, प्लेटफॉर्म कम हो गया, तो क्या यही वजह है कि आपने सिंगिंग से ज्यादा अभी गाने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए? न्यू प्रोडक्शन तो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक चैनल्स कम हो गए हैं. अगर आप म्यूजिक वीडियो बनाते भी हैं तो आप प्लेटफॉर्म नहीं है, चलाएंगे कहाँ पे? क्या फेसबुक पे तो क्लटर है, वहाँ पे तो करोड़ों हर तरह की अच्छी बुरी हर तरह की वीडियोस वहाँ पे और गाने चल रहे हैं. तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट नोटिस्ड ऑन फेसबुक और जस्ट यूट्यूब. तो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स अब चूंकि कम हो गए तो इसलिए हम भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं.